राजधानी भोपाल में इम्पा फिल्म आर्टिस्ट एसोसिएशन द्वारा इंडिया बॉलीवुड अवार्ड और एक दिवसीय मेकअप वर्कशॉप आयोजित की गई, जिसमें मेकअप आर्टिस्ट हेमा भाजीपले ने ब्राइडल मेकअप किया, साथ ही किस तरह से यह मेकअप किया जाता है वह भी नए मेकअप आर्टिस्ट को बताया। आयोजक गुलफाम खान और अंजलि ने बताया कि छुपी हुई प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से इस तरह के आयोजन समय समय पर किए जाते हैं, जिसमें युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच दिया जाता है, जहाँ भी अपने हुनर का प्रदर्शन करते हैं। इतना ही नहीं, इन कार्यक्रमों के जरिए उन हस्तियों को भी सम्मानित किया जाता है जो निस्वार्थ भाव से सामाजिक, धार्मिक के साथ ही अन्य क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान रंगमंच के मंझे हुए कलाकार भानु तिवारी के साथ अन्य कलाकारों को कार्यक्रम के दौरान सम्मानित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। खान है, इम्पा फिल्म आर्टिस्ट एसोसिएशन मध्य प्रदेश का मैं प्रेसिडेंट हूँ। एक्चुअली आज हम लोग जो प्रोग्राम कर रहे हैं, इंडिया बॉलीवुड अवार्ड, ये एक बहुत बड़ा नाम है, नेशनल इवेंट है आज का। आईफा अवार्ड तो आपने देखा ही होगा, उसमें बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं, उनको अवार्ड दिया जाता है। सलमान खान, शाहरुख खान, बाकी जो साइड रोल करते हैं और अच्छी एक्टिंग करते हैं उनको तो अवार्ड दिया नहीं जाता, वो भी तो अवार्ड के काबिल है। तो हमने एक इंडिया बॉलीवुड अवार्ड करके रखा है, तो हम उन आर्टिस्टों को अवार्ड देते हैं जो कि साइड में रोल कर रहे हैं, अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, मॉडल्स हैं, सिंगर हैं। तो आज हमने साल में एक हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है जो कि भोपाल में होता है, और इसका आज हमने बिल्कुल शुरुआत हो चुकी है आज अवार्ड शो की। इसके बाद हमारा ब्राइडल कॉम्पिटिशन रहेगा, जिसमें दुल्हनें तैयार होकर अपना रैंप वॉक करेंगी, और मध्य प्रदेश और मुंबई से, दिल्ली से, इंदौर से सब लोग हमारे आर्टिस्ट आए होंगे, उनको आज अवार्ड वितरण करेंगे। सर, कितने लोगों को आज अवार्ड वितरण किए जाएंगे? 100 अवार्ड रखते हैं हम लोग, हर साल 100 अवार्ड दिए जाते हैं। चयन किस प्रकार किया गया? आप चयन, जिसने बॉलीवुड में काम किया हो, सीरियल में काम किया हो, जिसने मॉडलिंग की हो, एक्टर हो, किसी ने फिल्म बनाई हो, प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, तो वो लोग हम लोग प्रोफाइल भेजते हैं पहले, फिर उसमें हमारे जो जूरी मेंबर होते हैं उसमें फिर हम लोग छाट का 100 अवार्ड निकालते हैं, फिर उन लोगों को चयनित करते हैं। क्या उद्देश्य सर अवार्ड देने का? अवार्ड देने का उद्देश्य यही है कि आईफा अवार्ड तो होते ही है, सबको अवार्ड मिलते नहीं है वहाँ पर, वहाँ बड़े आर्टिस्टों को देते हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, अजय देवगन, उनको मिल जाते हैं, बाकी आर्टिस्ट को क्या, वो तो एक्टिंग तो वो भी कर रहे हैं ना, तो उद्देश्य वही है कि उनके नीचे वालों को भी अवार्ड देना चाहिए जो अच्छा काम कर रहे हैं। सर, जो छोटे कलाकार हैं उनको बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, इसलिए वो प्रयास करेंगे जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, उन्हीं के लिए कर रहे हैं हम, और हर साल उनका एक प्रोग्राम रखते हैं हम लोग। ऑल ओवर इंडिया से आर्टिस्ट आते हैं, इंदौर, मुंबई, दिल्ली, सब जगह से आर्टिस्ट आते हैं। जहाँ तक अंजलि जी हैं, गुलफाम जी हैं, बहुत अच्छे सुंदर आयोजन मध्य प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ी इतनी पहल करते हैं जो सराहनीय रहती है। हर वर्ष इस प्रकार से जो एक जूनियर आर्टिस्ट हो चाहे सीनियर आर्टिस्ट हो, एक कला के प्रति इतना सम्मान देना एक वाकई बहुत, एसोसिएशन तो अनगिनत सी हैं, बहुत से एनजीओ चल रहे हैं, लेकिन इस तरह का ये इस तरह से प्रोत्साहित करना, एक जैसे हम लोग थिएटर करते हैं, फिल्मों में काम करते हैं, लेकिन हम काम करने के बाद हमें दर्शक तो देख रहे हैं, स्क्रीन पे देखते हैं लोग, उसका पूरा पूरा इंजॉय करते हैं, फुल मनोरंजन होता है, लेकिन जिस तरह से ये जो इस विधा में जो पारंगत हैं और उनको इस प्रकार से ये प्रोत्साहन देना, वाकई एसोसिएशन के लिए मैं अंजलि जी का बहुत आभारी हूँ, और गुलफाम जी दोनों मिलकर के इस तरह के ये जो आयोजन करते हैं, वाकई ये प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से जहाँ सरकार को करना चाहिए कला के प्रति, इन कलाकारों को जो देना चाहिए स्थान वह नहीं मिल पाता, जो अवार्ड के पात्र हैं उन्हें नहीं शासन स्तर से मिल पाता, लेकिन एसोसिएशन इस प्रकार से जो दे रही है सम्मान, वाकई मध्य प्रदेश के जितने भी कलाकार हैं, चाहे वो नाबालिग हो, बालिग हो, मेरा कहने का आशय यही है कि सीनियर हो, जूनियर हो, कोई उसमें भेद नहीं है, आर्टिस्ट आर्टिस्ट होता है, कितना भी एज दराज, मैं तो कहता हूँ 90 से ऊपर भी 100 तक भी चला जाए, लेकिन जो कला आज देख सकते हैं कि बिग बॉस को आज अमिताभ जी को क्यों उनके चाहने वाले, क्योंकि अवार्ड मिलने के बाद, अब मुझे अवार्ड मिल रहा है तो मुझे तो बहुत, मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझता हूँ कि इस प्रकार से अंजलि जी, गुलफाम जी और ऐसे आयोजन करके और मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं और मुझे अवार्ड मिल रहा है, बाकी आप सभी मीडिया कर्मियों का भी मैं बहुत आभारी हूँ। जी, मेरा नाम है हेमा भाजीपले, मैं इंदौर से हूँ, और यहाँ पे मैं एक मेकअप देना चाहती हूँ, तो मैं मेकअप सोसाइटी मेकअप दे रही हूँ जो नॉर्मली हम क्लाइंट के ऊपर करते हैं।
मेरा वहाँ पे एकेडमी भी है और हमारे एकेडमी में सभी प्रकार के कोर्सेज हम किए जाते हैं, जैसे परमानेंट एब्रो है, लिप है, हेयर एक्सटेंशन है, हेयर आर्टिस्ट हेयर स्टाइल क्लासेस चलाते हैं, मेकअप के भी क्लासेस चलाते हैं वहाँ पे। तो क्या उद्देश्य इसके पीछे आप इस तरह से जो बच्चियाँ हैं इनको रोजगार? बिल्कुल, अभी क्या है, हर कोई चाहता है कि हम मेकअप आर्टिस्ट बने, है ना। हाँ, हर कोई चाह रहा है कि मैं मेकअप आर्टिस्ट बनूँ, तो हर कोई क्लास में तो नहीं जा सकता, यहाँ पे कोचिंग ले सकता है। तो मैं यहाँ पे छोटे छोटे टिप्स जो है वो उनको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि आपको अगर घर बैठे भी मेकअप करना है तो उनको समझ में आ जाए कि क्या क्या पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है, कैसे स्किन को प्रेप करना है, कैसा मेकअप करना है, ये सब छोटी चीज़ें मैं बताऊँगी ताकि उनको उसको फ़ायदा हो जाए। मुझे 18 साल हो गए मेरे इस फील्ड में। खुद के बारे में बोलूँ तो मैंने एक 10x10 के छोटे से सलून से पार्लर से बोलो अपना स्टार्ट किया था। आज मेरे 2 सलून हो गए वहाँ पे, दोनों सलून मेरे काफ़ी बड़े हैं। एक मेरा 800 स्क्वायर फीट में बना हुआ है और एक मेरा 1000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। मैडम, आप कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं जो स्किन को नुकसान नहीं होता? देखो, हम सभी ब्रांड पे जाते हैं, हम स्किन के हिसाब से प्रेप करते हैं, जैसे मैक हो गया, फॉरएवर हो गया, जस्ट गोल हो गया, ऑफिस के हो गए, मेकअप स्टूडियो के हो गए, वो हम स्किन के अकॉर्डिंग करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हर प्रोडक्ट महंगा वाला ही आपको चूज करना है करके, सबके पास इतना नहीं रहता कि वो हाई क्वालिटी ही यूज़ करे। एक नॉर्मल रेंज से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, नॉर्मल रेंज अभी कहीं ख़राब नहीं होती और ना ही स्किन को नुकसान करती है ना। बस आपको नॉलेज होना चाहिए कि आप स्किन के हिसाब से कौन से प्रोडक्ट यूज़ करें। मेकअप मौसम के हिसाब से भी किया जाता है? बिल्कुल, जैसे अभी समर का, यहाँ पे अभी स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो हमें किस तरीके से अपने मेकअप को स्वेट प्रूफ करना है, उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाना है, उसको ज़्यादा समय तक रखना है। जैसे अभी गर्मी आ रही है, दिन का मेकअप है तो कैसे हमें उसको करना है, रात में तो हमें कैसे करना है, उसको कितना लॉन्ग टाइम तक हम उसको स्टेट रख सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी मैं बताऊंगी। मैं नीना राठौर इंटरनेशनल सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हूँ, भोपाल से हूँ। ये इम्फा फिल्म एसोसिएशन जो है, गुलफाम भाई बहुत ही छोटे छोटे जो कलाकार होते हैं उन्हें एक बहुत ही बड़ा मंच देते हैं और ये जो आज की प्रतिभा है उनको आगे लाने के लिए बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। जो हाउस वाइफ्स होती है जिन्हें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, उन्हें भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पर दिया है एक मॉडल शो के रूप में। किड्स जो होते हैं जो बड़े प्लेटफॉर्म पर अपना टैलेंट नहीं दिखा पाते हैं, तो गुलफाम भाई ने बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि छोटे छोटे बच्चे आकर अपनी प्रतिभा का हुनर यहाँ पर दिखा करते हैं। ये आपके जो बाल है, जो आँखें हैं, ये कुदरत के देन या मेकअप का देन है? ना ना, बाल तो हाइलाइट्स किए मैंने, बट जो मेरी आईज है वो कुदरत की देन है। इसके लिए मैं भगवान को धन्यवाद कहूंगी कि ओरिजिनल लेंस। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।